नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप गुलेरिया। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारा घर लेके। तो आज का जो हमारा घर रहने वाला है 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस रहेगा। ये साइज़ की बात कर लें तो 120 गज के साइज़ में रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी एलिवेशन, तो बहुत ही प्यारी जो है इसकी एलिवेशन आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीट घर की बात करें, फ्रंट में आपको जो है वो टेक्सचर पेंट यहाँ पे आपको जो है वो किया हुआ यहाँ पे मिलेगा आपको। और टॉप की बात करें तो आप ये आयरन का डिज़ाइन देख सकते हैं। चाहे हम टॉप फ्लोर की बात करें, रूफ़ की बात करें या फिर हम साइड की बात करें, तो आयरन का वर्क आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और लाइट वर्क भी आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लाइट वर्क जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्रंट आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है टाइल वर्क मिलेगा फ्रंट में। और इधर आप ये देख सकते हैं ग्रिलिंग यहाँ पे भी आपको मिलेगी। और गेट देख सकते हैं, इस तरह से आपको गेट जो है वो मिलने वाला है। अब बात कर लें अपने पिलर्स की, तो पिलर्स पे भी आपको जो है वो टाइल वर्क देखने को मिलेगी दोनों ही तरफ। और स्मार्ट से लैम्प जो है वो पिलर्स पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका जो है फ्रंट एलिवेशन रहेगा। लोकेशन की बात कर लें तो सेक्टर 124 ये पड़ता है, नियर टू चंडीगढ़। हार्डली आप ये कह सकते हो कि 15 से 20 मिनट अपने यहाँ से चंडीगढ़ जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं। तो बहुत ही प्यारी एलिवेशन के साथ 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस। तो आइए अब ये चलते हैं दोस्तों आपको घर के अंदर भी, और बात करते हैं अपने पार्किंग एरिया की। तो दोस्तों आप ये पार्किंग एरिया देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस जो है वो पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है। एक आराम से आपकी जो है गाड़ी पार्क होती है यहाँ पे। हॉस्टेल्स के नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। तो सिलेंडर इन्वर्टर अपना यहाँ पे आप रख सकते हैं। क्षमा चाहूँगा, अभी इस कोठी का जो है अभी फाइनल फिनिशिंग पे है, आपको मिस नज़र आएगा यहाँ पे, सफाई कम दिखेगी यहाँ पे आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने स्पेस की भी, तो काफ़ी स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपका स्पेस रहेगा, यहाँ पे आप अपना प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, गमले रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको जो है टैप फिटिंग यहाँ पे भी दी गई है, अगर आप यहाँ पे भी अपना वॉशिंग मशीन लगाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं एक विंडो आपको मिलता है। और टेक्सचर पेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी वॉल पर आपको जो है फ्रंट वॉल पर टेक्सचर पेंट आपको दिखेगा यहाँ पे। और लाइट वर्क भी आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये दोस्तों अब ये चलते हैं आपको घर के अंदर आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। तो बात कर ली जाए यहाँ पे आपके डोर्स की भी, तो मैच डोर आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है मैच डोर मिलेगा यहाँ पे आपको। और अब बात करें हम मेन डोर की भी, तो मेन डोर आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपका मेन डोर जो है वो आपको मिलेगा। डिज़ाइनर डोर रहेगा 8 फीट हाइट का, हैवी लुक में। अब लिए चलते हैं आपको आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया की। तो दोस्तों आप ये साइज़ देख सकते हैं अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया का, तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये एरिया मिल जाता है। और इस तरफ आप ये देखेंगे LED पैनल जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है, एक स्मार्ट सा। और फॉल सेलिंग की बात कर लें तो फॉल सेलिंग आपको इस तरह से यहाँ पे मिलने वाली है, LED लाइट्स और प्रोफाइल लाइट्स के साथ। शैंडलर आप देख सकते हैं, फैंस देख सकते हैं। एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं एज इट इज़ ही आपको ये मिलने वाला है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं फुली फर्निश्ड आपको मिलने वाला है ये। अब आप यहाँ पे वॉल देखिए, डिज़ाइनर वॉल आपको मिलती है, बहुत ही प्यारा वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और स्मार्ट सी जो है आप ये लैंप्स देख सकते हैं, और इसी फिटिंग्स भी जो है वो पूरे ही घर में आपको यहाँ पे मिलेंगी। इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक विंडो, जैसे मैंने आपको बाहर से दिखाया, विंडो यहाँ पे मिलती है, ताकि आपके ड्राइंग रूम में भी सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने हम किचन के भी, तो मॉडुलर किचन रहेगा आपका ये, तो काफ़ी स्पेशियस ये किचन आपको मिलने वाला है। साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस किचन रहेगा, एल शेप में किचन रहेगा आपका। नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, ऊपर कैबिनेट्स रहेंगे। चिमनी आपको यहाँ पे लगा के दी जा रही है, और कलर कम्बिनेशन आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरफ बात करें ड्यूल सिंक की, तो साउंड प्रूफ सिंक रहेगी। और फिटिंग्स आप ये देख सकते हैं, सेरा की फिटिंग्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। और विंडो देख सकते हैं यहाँ पे भी, किचन में भी आपको विंडो जो है मिलता है, ताकि किचन में भी आपको सनलाइट वेंटिलेशन प्रॉपर मिले आपको यहाँ पे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमें मिलते हैं दोस्तों 2 बेडरूम्स, और 1 बेडरूम सेट जो है ऊपर रहेगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको पहले बेडरूम्स जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं। फर्स्ट बेडरूम आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको काफ़ी स्पेशियस बेडरूम मिलता है। ऊपर बात की जाए फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं, डिज़ाइनर फॉल सीलिंग मिलती है, LED लाइट्स और प्रोफाइल लाइट्स के साथ। इस तरफ आप ये देख सकते हैं डिज़ाइनर वॉल जो है वो आपको मिलती है। बेड आप देख रहे हैं, ये भी एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। और बात करें अब आपको वॉशरूम भी दिखाएं, तो वॉशरूम आप ये देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जो है वॉशरूम मिलेगा आपको। नीचे एंटेस के टाइल्स, फुल सीलिंग हाइट टाइल्स रहेंगी आपकी।
जिस तरह से वॉशरूम फिटिंग्स जो हैं वो भी साथ में आपको मिलती हैं। इधर बात की जाए तो फुल सीलिंग हाइट जो है वो आपकी अलमीरा रहेगी स्लाइडिंग डोर्स के साथ, और यहाँ पे जो है ड्रेसिंग टेबल भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और इस तरफ दिखाना चाहूँगा आपका LED पैनल। अब लिए चलते हैं दोस्तों आपको पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ भी, तो आप ये स्पेस देख सकते हैं अपने वॉशिंग एरिया का। तो ये काफ़ी स्पेशियस जो है वॉशिंग एरिया भी आपको मिलता है। तो इस तरह से कंप्लीट आपको वॉशिंग एरिया मिलने वाला है। साइज़ देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस रहेगा, और ऊपर भी आप ये देखिए पूरा कवर्ड आपको जो है वो मिलता है। यहाँ पे सारी टैप्स फिटिंग्स भी मिलती हैं ताकि आप अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो आराम से लगा सकें। तो इस तरह से हमारा ये था वॉशिंग एरिया और बेडरूम। अब ये चलते हैं दोस्तों आपको सेकेंड बेडरूम की तरफ भी। तो बेडरूम का साइज़ आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस ये बेडरूम भी आपको मिलता है। बात करें ऊपर फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं सेम एज इट इज़, जैसे उस रूम में देखी वैसे ही यहाँ पे भी मिलने वाली है LED लाइट प्रोफाइल लाइट्स के साथ। दिखाना चाहूँगा आपको मैं वॉल, तो एक डिज़ाइनर वॉल जो है यहाँ पे हमें मिल जाती है। और बेड आप देखिए एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। अब दिखाना चाहूँगा आपको वॉशरूम भी, तो वॉशरूम का भी साइज़ देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको वॉशरूम मिलेगा। नीचे एंट्रेंस के टाइल्स फॉल सीलिंग हाई टाइल्स रहेंगी, सारी वॉशरूम फिटिंग जो है वो आपको लगा के यहाँ पे दे जाएंगे। तो इस तरह से आपका वॉशरूम रहेगा। अब दिखाना चाहूँगा आपको मैं यहाँ पे भी आपका कैबिनेट्स, और नीचे आपको यहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स मिलती हैं। तो इस तरह से आपके कबर्ड्स रहने वाले हैं ये। और इधर आप ये देख सकते हैं LED पैनल आपका, और सेम एज इट इज़ जैसे वहाँ से आपने डोर का एक्सेस देखा, यहाँ से भी डोर का एक्सेस जो है वॉशिंग एरिया के लिए आपको मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों ये था हमारा 2 बेडरूम सेट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। अब लिए चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर 1 बेडरूम सेट, वो भी दिखाते हैं। आइए तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले दिखाना चाहूँगा आपको स्टेयर्स। तो इस तरह से आपको जो है स्टेयर्स मिल जाती हैं ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल से, और साथ में आपको जो है स्टेनलेस स्टील रेलिंग जो है वो भी यहाँ पे लगा के दी जा रही है। तो अब आप देखिए यहाँ की बालकनी भी, तो दोस्तों बालकनी का साइज़ आप ये देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस आपको जो है वो बालकनी मिल जाती है आपको यहाँ पे। यहाँ पर देखेंगे आपको तो टफन ग्लास जो है वो दिया जा रहा है, स्टेनलेस स्टील रेलिंग जो है वो मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सेम आपको जो है टेक्सचर पेंट यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और ऊपर देखिए आप ये लाइट वर्क जो कि बहुत ही प्यारी आपको रात को दिखने वाली है। और इधर भी आप ये देखिए लाइट वर्क जो है लैंप जो है बहुत ही प्यारे यहाँ पे आपको देखेंगे। तो दोस्तों अंदर एंटर करने से पहले दिखाना चाहूँगा आपको मैं डोर्स। तो इस तरह से आपको जो है मैच डोर मिलेगा यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ का मेन डोर भी, तो मेन डोर भी सेम एज इट इज़ आपको मिलता है, जैसे नीचे आपने देखा सेम डिज़ाइनर डोर जो है आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो इस तरह से आपका जो है किचन भी आपको मिलता है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप ये देख सकते हैं कंप्लीट किचन जो है वो आपको दिया जा रहा है। ऊपर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, नीचे ड्रॉर्स दिए गए हैं, और चिमनी का स्पेस जो है वो यहाँ पे मिल जाता है आपको। और सेम एज इट इज़ ड्यूल सिंक भी आपको यहाँ पे मिलती है, साउंड प्रूफ रहेगी ये, और विंडो का एक्सेस भी यहाँ पे मिल जाता है। और ऊपर आप ये देखिए फॉल सीलिंग जो है बहुत ही प्यारी यहाँ पे जो है वो भी मिलती है आपको, और स्पेस जो है काफ़ी मिलता है आपको यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं स्पेस को भी, तो यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल अगर रखना चाहे वो रख सकते हैं, या फिर आप सोफ़ा वगैरह रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब लिए चलते हैं आपको बेडरूम की तरफ। तो इस तरह से आपका जो है बेडरूम रहेगा आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो काफ़ी स्पेशियस ये बेडरूम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिज़ाइनर वॉल मिलेगी आपको यहाँ पर भी, और ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग, तो बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में फॉल सीलिंग मिलती है LED लाइट्स प्रोफाइल लाइट्स के साथ। और इधर भी आपको यहाँ पे भी बेड जो है वो भी दिया जा रहा है, और इस तरफ आपको यहाँ पे भी एक विंडो का एक्सेस मिलता है ताकि रूम में आपको जो है प्रॉपर वेंटिलेशन सनलाइट मिले। और इस तरफ आपको जो है एक अलमीरा जो है वो दी जा रही है यहाँ पे, और LED पैनल भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से हमारा ये रहेगा रूम यहाँ पे। अब वॉशरूम की बात कर लें तो वॉशरूम आप ये देख सकते हैं अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे एंट्रेंस के टाइल्स और फुल सीलिंग हाई टाइल्स मिलती हैं आपको, सारी वॉशरूम फिटिंग्स जो है वो लगा के दी जा रही हैं यहाँ पे। अब लिए चलते हैं दोस्तों आपको आपके ओपन एरिया की तरफ भी। तो इस तरह से आपका जो है वो ओपन एरिया यहाँ पे मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है वो ओपन एरिया रहेगा यहाँ पे। तो आप स्पेस देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस ये जगह भी आपको मिल जाती है, और टाइल वर्क सारा आपको मिलेगा यहाँ पे। और आप ये आयरन वर्क देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आपको आयरन वर्क मिलता है, और लाइट वर्क भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइट देखिए, और इस तरफ भी आप ये लाइट देख सकते हैं, सारी ही लाइट्स आपको यहाँ पे नज़र आने वाली हैं। तो शाम के टाइम जब आप बैठेंगे यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी लाइट वर्क जो है वो आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं। अब
ऊपर छत पे जाने के लिए एक्सेस जो है स्टेयर्स आपको दी गई हैं, वाटर टैंक जो है वो ऊपर आपको छत पे जो है वो मिलता है, और नीचे प्रॉपर आपका जो है लाइट रहे, वेंटिलेशन रहे, तो ये पूरा कवर आपका आपको ऑलरेडी करके दिया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपका 3 BHK 120 गज के साइज़ में सेक्टर 124 नियर टू चंडीगढ़, बहुत ही प्यारी एलिवेशन के साथ। तो अब बात कर ली जाए दोस्तों डिमांड की भी, तो बिल्डर की तरफ से जो आस्किंग प्राइस है वो है 81,90,81,90,000 जो कि नेगोशिएबल रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार अपने व्यूअर्स से, जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी अगर सर्च कर रहे हैं नियर टू चंडीगढ़, तो एक बार ज़रूर इस प्रॉपर्टी को वो विज़िट करें, हो सकता है उनको ये प्रॉपर्टी पसंद आए, तो हम भी कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट जो है उनको रेट दिलवाया जाए। तो दोस्तों आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।